एपिसोड 22 की स्टार्टिंग होती है और श्रृंग वापस उसी कहानी लिखती है। वो बोलती है, ये सबसे खुशी का वक्त है और तभी कोई आ जाता है। श्रृंग डर जाती है और वो कोई और नहीं यैंग होता है। वो श्रृंग को बोलता है, तुम बुरी नहीं हो, थैंक्स, तुमने लिन का साइड लिया। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ड्रिंक लाई है। फिर श्रृंग बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ, थैंक्स। फिर यैंग पूछता है, क्या मैं इतना डरावना हूँ? फिर श्रृंग बोलती है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। फिर यैंग बोलता है, तो फिर ये लो। फिर यैंग की नज़र श्रृंग की बुक पे पड़ती है और वो उस बुक को उठा लेता है। फिर वो बोलता है, अरे वाह, द सुपर माचू गाय, और तुम्हारे पास इसका स्पेशल एडिशन है, क्या तुम भी इसकी फ़ैन हो? और श्रृंग बोलती है, क्या तुम भी यैंग? इसके बाद दोनों ब्रोस बन जाते हैं। और फिर श्रृंग यैंग के बारे में सोचती है, यैंग बिल्कुल भी डरावना नहीं है। फिर यैंग बोलता है, मैं इसके लेवल तक नहीं आ सकता। फिर एक लड़के की आवाज़ आती है और वो बोलता है, ठीक है तो फिर मैं ये नोट्स ले रहा हूँ। फिर स्नैन उस लड़के को बोलता है, वापस करने का याद रखना। और श्रृंग बस स्नैन को ही देखे जा रही थी। वो सोचती है, ओह ये कितना हैंडसम है। और यैंग बोलता है, हे तुम कहाँ देख रही हो? फिर वो स्नैन की तरफ देखता है और फिर श्रृंग से पूछता है, क्या तुम्हें स्नैन पसंद है? फिर श्रृंग खड़ी हो जाती है और बोलती है, ये किस तरह का क्वेश्चन है? वो थोड़ी शॉक दिखती है। फिर यैंग बोलता है, तुम्हारे रिएक्शन ने मुझे बता दिया और ये बात सच है ना? और श्रृंग बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, मजाक मत बनाओ। फिर यैंग बोलता है, पर वो बंदा ठीक नहीं है। फिर श्रृंग बोलती है, इसका क्या मतलब हुआ? फिर यैंग बोलता है, ये मत सोचना कि वो तुम्हारा ध्यान रखता है तो वो एक अच्छा लड़का है, हो सकता है वो किसी और का भी ऐसे ध्यान रखता हो। फिर यैंग बोलता है, मुझे नहीं लगता वो एक अच्छा लड़का है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद श्रृंग जोर से डेस्क पर मारती है और बोलती है, वो कैसे एक अच्छा लड़का नहीं है? तुम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम उस पर इतना नाराज़ क्यों हो? फिर यैंग अपने जेब से फ़ोन निकालता है और श्रृंग को बोलता है, मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, तुमने ही मुझसे पूछा था, जब तुम ये फ़ोटो देखोगी तो रोना मत, पर हाँ मैं रोना चाहता हूँ, देखो इन फ़ोटो को। फिर श्रृंग वो फ़ोटो को देखती है और यैंग बोलता है, ये फ़ोटो को देखकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है। फिर श्रृंग उस फ़ोटो को घूर के देखती है और यैंग बोलता है, तुम ये चीज़ देख रही हो जो लिन ने अपने हाथों में पकड़ी हुई है? फिर श्रृंग बोलती है, हाँ ये तो वो है ना जो हम गर्ल्स मंथली डेज में यूज़ करती हैं। सिनैन ने लिन से कहा वो पैड मुझ तक पहुँचाने के लिए, वो तो मेरी मदद कर रहा था। और दूसरी फ़ोटो में ऐसा लग रहा है जैसे सिनैन ने लिन को पकड़ा हुआ है ताकि वो गिर ना जाए। फिर यैंग बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खड़े होकर ये नहीं देख सकता कि कोई दूसरा लड़का उसके पास जाए, चाहे वो कोई भी हो। तभी सिनैन आ जाता है और वो बोलता है, तुम दोनों को देख के लग रहा है तुम दोनों साथ हो। फिर श्रृंग पूछती है, सिनैन तुम यहाँ कब से खड़े हो? फिर सिनैन बोलता है, वो कैसे अच्छा लड़का नहीं है तब से। फिर श्रृंग सोचती है, मतलब इसने सब सुन लिया। फिर सिनैन यैंग को बोलता है, पर तुम अगर तुम्हारे पास टाइम है दूसरों के बारे में बकवास करने का तो तुम जाके अपनी लाइन क्यों नहीं याद करते? मिस्टर नैन ने मुझसे कहा है तुम दोनों को बताने के लिए कि परफॉर्मेंस परसों होने वाली है। फिर यैंग बोलता है, मुझे ऑर्डर मत दो, तुम्हें क्या लगता है मैं ये फालतू से स्क्रिप्ट याद नहीं कर सकता? फिर स्नैन बोलता है, वहाँ हमें टाइम नहीं मिलेगा रिहर्सल करने का, तो अच्छा होगा तुम हमें शर्मिंदा ना कराओ। फिर यैंग बोलता है, मेरा काम तुमसे अच्छा होगा। फिर स्नैन बोलता है, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। इसका सीन चेंज होता है और स्नैन अपना स्टडी टेबल पर बैठ के सोच रहा होता है। वो याद करता है श्रृंग ने उसके साइड लिया था, वो काफ़ी गुस्से में थी और वो काफ़ी जोश में मेरा बचाव कर रही थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि वो मेरे लिए खड़ी हुई, वो भी एक लड़के के सामने। मुझे बहुत खुशी हुई और अब मैं श्रृंग को उस अपराधी लड़के के पास नहीं जाने दूंगा। कहीं उसने श्रृंग को कन्वेंस करके मुझे बुरा बना दिया तो? और वहीं श्रृंग सोचती है, उसने वो पार्ट नहीं सुना होगा जब मैंने कहा था मैं उसे लाइक करती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चला वो कब मेरे पीछे आ गया, शायद उसने नहीं सुना। पर उसने मेरे कान में धीरे से बोला था, क्या सच में उसने नहीं सुना? और श्रृंग उस टाइम स्क्रिप्ट याद कर रही होती है। फिर वो बोलती है, मैं कभी ये लाइन याद नहीं कर पाऊंगी अगर मैं ऐसे ही सोचती रही, पर अगर उसने हमारी बातें सुन ली होगी तो मैं उसे कैसे फेस करूंगी? और वो जो दो फोटो मुझे यैंग ने दिखाई थी, वो फ़ोटो से मुझे अजीब सा फील क्यों हो रहा है? उसका हाथ किसी और लड़की के हाथ को पकड़ा हुआ है, सोच के मेरा दिल सिकुड़ जा रहा है। फिर श्रृंग कॉपी को खुद को मारती है और बोलती है, पागल मत बन श्रृंग, इस बात पर तो उदास कैसे हो सकती है, मुझे इस बात की खुशी है लिन नीचे नहीं गिरी, पर मैं सिनैन को बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। और तभी विंडो खुलती है और सिनैन आ जाता है और वो बोलता है,
मेरे पास एक क्वेश्चन है तुमसे पूछने के लिए और मैं अंदर आ रहा हूँ। फिर वो शिंग के बेड पे बैठ जाता है और पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? शिंग एकदम सरप्राइज रहती है। फिर शिंग सोचती है, अब मैं क्या बोल सकती हूँ? फिर स्नैन बोलता है, शिंग इधर आओ और खड़ी हो जाओ, और अब दोनों हाथों से मेरा लेफ्ट हाथ पकड़ो। और शिंग बोलती है, क्या ऐसे? फिर स्नैन बोलता है, हाँ, और अब लटक जाओ। फिर शिंग सोचती है, ये कर क्या रहा है? और फिर शिंग अपने दोनों पैर उठा लेती है। स्नैन उसको 3 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करता है और उसको फिर नीचे रख देता है और बोलता है, मैं बस यही चेक करने आया था, बाय। अब मैं और 200 पुशअप लगाऊंगा और एक सेट लगाऊंगा स्क्वाट्स का। फिर शिंग सोचती है, ये सब किस काम के लिए था? अरे गलत समझने वाली कोई बात नहीं है, बस आगे देखते जाओ। और उसका सीन चेंज होता है और हमें अगला दिन दिखता है, और कुछ लड़कियाँ आपस में बात करती है, क्या तुमने सुना? सीनन भी क्लास नंबर 2 से उस प्ले में पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर दूसरी लड़की बोलती है, क्या सच में वो स्मार्ट और गुड लुकिंग लड़का भी उस प्ले में पार्टिसिपेट कर रहा है? अरे वाह, तो चलो फिर, अगर हम जल्दी नहीं गए तो हमें फ्रंट रो में सीट नहीं मिलेगी। इसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाता है और अनाउंस होता है कि अब अगला परफॉर्मेंस होगा फर्स्ट ईयर क्लास 2 से सभी स्टूडेंट्स का। इसके बाद हमें शिंग के उड़ते हुए सुनहरे बाल दिखते हैं और वो सुनहरी गोदी में होती है। ओ मैन। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।